इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे बिजनेस फाइनेंस के कुछ और आगे के टॉपिक्स। इससे पहले वाले पार्ट में भी हमने कुछ टॉपिक डिस्कस किए, जैसे कि बिजनेस फाइनेंस का मीनिंग, उसकी डेफिनेशन, साथ में कुछ फीचर्स भी हमने जाने थे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने देखी होगी। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप उसको जाकर देखें, ठीक है। उसमें जो भी टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उन्हीं टॉपिक्स से आपका एक बेस डेवलप होगा जो आपको हेल्प करेगा आगे के सारे टॉपिक्स को समझने में, ठीक है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिजनेस फाइनेंस करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपको वीडियो मिल जाएगी, तो पहले आप उसको जाकर देखें। जिसने देख लिया बहुत अच्छी बात है, और हम कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक्स की तरफ, जो कि ये सबसे पहला टॉपिक हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। तो क्या ऑब्जेक्टिव्स, क्या मकसद रहता है बिजनेस फाइनेंस का, वो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। साथ में एक टॉपिक और भी है, वो मैं आपको भी आगे बताऊंगा, जो हम आगे कवर कर रहे होंगे, राइट। तो टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। नंबर वन हमारा ऑब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट्स, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि जो भी बिजनेस फाइनेंस है वो पूरा है हमारे कैपिटल रेज करना, ठीक है, और उस कैपिटल को हमारे बिजनेस में लगाना, प्रॉपर उसका यूटिलाइज करना, ठीक है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव भी हमारा यही कहता है कि हम मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करें, ठीक है। यही ऑब्जेक्टिव, यही मकसद रहता है बिजनेस फाइनेंस का, ठीक है। वही सब चीजें यहाँ पर लिखी है, जो भी चीजें यहाँ पर लिखी है वो तो आप लिखोगे, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा अपने शब्दों में भी लिख सकते हो अपने एग्जाम में, ठीक है। मेन जो है वो आपका समझना है, जो भी पॉइंट लिखा है वो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। जो चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं उनको आप साथ में लिखते हुए भी चलोगे तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, साथ में नोट्स बनाते हुए चलोगे तो बहुत वो बढ़िया रहेगा, ठीक है। मैं आपसे हमेशा कहता हूँ खुद के नोट्स सबसे बेस्ट रहते हैं, राइट। तो मैक्सिमम प्रॉफिट्स अर्न करना सबसे पहला ऑब्जेक्टिव रहता है, तो वही चीज लिखी है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट बाय मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ इट्स करंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज, बिकॉज द वर्क ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज इवैल्यूएटेड बाय इट्स अर्नड प्रॉफिट्स, ठीक है। तो क्यों जरूरी है, एक तो प्रॉफिट अर्न करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो पूरा बिजनेस का एग्जिस्टेंस है वो उस प्रॉफिट पर ही टिकेगा, ठीक है। अगर आपने किसी से कैपिटल ली थी, कुछ रुपए लिए थे, तो जब बिजनेस में प्रॉफिट्स होंगे तो आपको वो रुपया उनको वापस भी करना पड़ेगा, है ना। जो भी आपके खर्चे होंगे वो सब आपको प्रॉफिट से ही करने हैं, है ना। प्रॉफिट होगा तो आप उस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेट रहोगे, ठीक है, मोटिवेशन आपके अंदर रहेगा। तो कई सारे रीजंस हैं उस प्रॉफिट को अर्न करने के, ठीक है, और यही मकसद भी है इसलिए कि प्रॉफिट को अर्न करना है। जो भी आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज उनका यूज करो, उनको एफिशिएंट यूज करके आप प्रॉफिट अर्न करोगे, है ना। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तभी एग्जिस्ट करेगी जब वो प्रॉफिटेबल होगी। अगर वो प्रॉफिटेबल नहीं है तो उसकी एग्जिस्टेंस जो है वो एक समय पर आके खत्म हो जाएगी, एक पॉइंट पर आके खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव रहता है हमारा प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा अर्न करना किसी भी बिजनेस के लिए, ठीक है। नंबर टू ऑब्जेक्टिव है बिजनेस फाइनेंस का, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमम रिटर्न। मैक्सिमम रिटर्न क्या हुआ, जो भी कैपिटल, जो भी रुपए आपने किसी और से लिए थे, ठीक है, कोई इन्वेस्टर होगा, ठीक है, या फिर हम शेयर होल्डर्स की बात करें, डिबेंचर होल्डर्स की बात करें, उन्होंने आपकी ऑर्गेनाइजेशन में से कुछ परसेंट लिया हुआ है, ठीक है, आपने कुछ परसेंट शेयर किया है किसी के साथ, तो उनको मैक्सिमम रिटर्न भी आपको वापस देना पड़ेगा, तब उनका इंटरेस्ट आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बना रहेगा और वो आगे आपके साथ कंटिन्यू करेंगे, है ना। द बिजनेस फाइनेंस मैनेजर शुड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स एंड डिबेंचर होल्डर्स, और वो इस इंटरेस्ट को बनाए कैसे रखेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करके उनको अच्छे से अच्छा रिटर्न देकर, ठीक है। तो इस तरीके से जो बिजनेस फाइनेंस मैनेजर है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा, किसके, शेयर होल्डर्स और डिबेंचर होल्डर्स के। रेगुलर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द इन्वेस्टेड कैपिटल टू डिबेंचर होल्डर्स, टाइमली पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, एंड एफर्ट शुड बी मेड टू इंक्रीज द अर्निंग रेट पर शेयर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। और कैसे वो करेंगे, रेगुलर पेमेंट कर सकते हैं वो इंटरेस्ट की, जो भी इन्वेस्टेड कैपिटल है डिबेंचर होल्डर्स की, ठीक है, टाइमली पेमेंट करते हैं डिविडेंड का प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। तो इस तरीके से जब एफर्ट करेगा एक बिजनेस फाइनेंस मैनेजर, तो अल्टीमेटली जो इन्वेस्टेड कैपिटल है डिबेंचर होल्डर्स की या फिर शेयर होल्डर्स की, वो उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रखेगा और वो आपके साथ जुड़े रहेंगे। जो भी इन्वेस्टर्स आपके साथ जुड़े हुए, जिन्होंने आपको बिल्कुल, जब आप बिल्कुल लो लेवल पे थे तब उन्होंने आपको इन्वेस्ट करके आगे बढ़ाया, तो उनका भी आपके साथ जो इंटरेस्ट बना रहेगा और आगे आप और ज्यादा ग्रो कर जाओगे, ठीक है। तो नंबर टू हमारा पॉइंट हो गया ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमम रिटर्न। नंबर थर्ड ऑब्जेक्टिव है बिजनेस फाइनेंस का, जो कि है ऑब्जेक्टिव ऑफ वैल्यू मैक्सिमाइजेशन। वैल्यू भी आपको मैक्सिमाइज करनी है अपनी ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। एक पर्सन, एक बिजनेसमैन जिसने अपनी ऑर्गेनाइजेशन चालू करी थी, ठीक है, उसके पास कैपिटल नहीं थी, उसके पास रुपए नहीं थे, उसने इन्वेस्ट करवाया, ठीक है, उसने अपना आइडिया जिसको भी बताया होगा उसको अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो जब वो बिजनेस का धीरे धीरे शुरू हुआ, उसने प्रॉफिट्स अर्न करे, उसने जो मैक्सिमम रिटर्न था उसने दिया, ठीक है, जो शेयर होल्डर्स थे, डिवेंचर होल्डर्स थे, जो इन्वेस्टर्स थे, उसने उनका इंटरेस्ट जो है बनाए रखा, तो अब उसकी जो वैल्यू है वो भी अल्टीमेटली मैक्सिमाइज होगी, ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस फाइनेंस इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ। वेल्थ का मैक्सिमाइजेशन करना है,
वेल्थ जो टर्म है इसमें हम ओवरऑल बात करते हैं, जो भी हमारा पूरा बिजनेस है उसमें हर एक चीज, जो भी एक्टिविटीज है, जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो भी हम दे रहे हैं किसी को, ठीक है, जितने भी हमारे एम्प्लॉयज है, सब चीजें वो वेल्थ के अंदर आएंगी, ठीक है। हमारा बिजनेस किस लेवल पर जा रहा है वो उसकी वेल्थ है, कितनी ग्रोथ है, सब चीजें उसी में इंक्लूड होती है, ठीक है। मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ इज अचीव्ड बाय मैक्सिमाइजिंग द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एसेट्स। तो जो वेल्थ की मैक्सिमाइजेशन है वो कब होगी, जब आपकी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है एसेट्स की वो मैक्सिमाइज होगी, ठीक है। तो आपको अपने एसेट्स पर भी ध्यान देना, उनको आगे बढ़ाना है, ठीक है। जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज आपके पास है उनका एफिशिएंट यूज करोगे, ठीक है, तब वो आप धीरे धीरे ग्रोथ की तरफ बढ़ोगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस फाइनेंस इज टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स विच विल लीड टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। तो जब आपकी नेट एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो लोग आपको इन्वेस्टमेंट भी देंगे, ठीक है। उसके बाद जो आपके रिजल्ट रहेगा वो भी बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, तो आपके जो वैल्यूज है शेयर की जो वैल्यूज है वो भी ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो आपकी वैल्यू है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो उस वैल्यू का मैक्सिमाइजेशन भी ऑब्जेक्टिव रहता है बिजनेस फाइनेंस का, ठीक है। तो तीन ऑब्जेक्टिव हम पढ़ेंगे यहाँ पर सिर्फ, क्योंकि ज्यादा ये नहीं पूछे जाते। हाँ, कितने मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा अभी, ठीक है। तो वो वीडियो के एंड में मैं आप बात करूंगा। पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था किस तरीके से कैसे क्वेश्चन कितने मार्क्स में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव जो है ज्यादा नहीं पूछे जाते, जो चीज ज्यादा नहीं पूछी जाएंगी वो मैं आपको ज्यादा कराऊंगा भी नहीं, टाइम वेस्ट हम फालतू का नहीं करेंगे, ठीक है। तीन ऑब्जेक्टिव है, बिल्कुल सिंपल से ऑब्जेक्टिव है, बहुत ऐसे कोई बड़े पॉइंट में लेकर नहीं आया, बहुत इजी इजी मैं ऑब्जेक्टिव आपके सामने लेके आया हूँ, ठीक है। इनको आप अपने वर्ड्स में भी फ्रेम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस जो आप कहना चाह रहे हो वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट, तो इसका जो भी आप लिखोगे आगे वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने पॉइंट दे दिया ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट लेकिन उसमें लिख कुछ और ही दिया, तो वो चीज़ नहीं चलेगी, ठीक है। पॉइंट आपके सामने है, समझा मैंने आपको, दिया नोट्स अगर आप साथ में बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। बाकी आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो, वीडियो पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो और उसको सेव कर लो, आगे बाद में नोट्स बना लेना, ठीक है। बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो कि इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। इस टॉपिक से भी हम सिर्फ 3 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक पर अलग से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा तो 5 to 10 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। उसमें सिर्फ आपसे इंपॉर्टेंस नहीं पूछेंगे, बल्कि आपसे उसमें पूछ लेंगे कि आप बिजनेस फाइनेंस का मीनिंग बताओ, साथ में कुछ फीचर्स और उसके ऑब्जेक्टिव्स और इंपॉर्टेंस, मतलब कि 3-4 चीजें एक ही साथ एक ही क्वेश्चन में ही आपसे पूछ सकते हैं। तो वो एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा जिसमें 1 या 2 पॉइंट आप इंपॉर्टेंस के दोगे, 1-2 आप ऑब्जेक्टिव्स बताओगे, कुछ आप फीचर्स बताओगे और मीनिंग और डेफिनेशन आपको अच्छे से वो एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा जो हमने पीछे पढ़ लिया, ठीक है। तो अलग से क्वेश्चन नहीं बनेगा, ना ही ऑब्जेक्टिव्स पर ना ही इंपॉर्टेंस पर, ये सभी चीजें आपसे एक अलग से जो क्वेश्चन आएगा कि आप मीनिंग, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करेंगे मीनिंग, उसके फीचर्स, उसके ऑब्जेक्टिव्स और उसी टॉपिक पर आप इंपॉर्टेंस बता दो, ठीक है। तो 3 पॉइंट्स सफिशियंट है, आप इसमें से कोई 2 बहुत अच्छे से याद कर लो, बिल्कुल अच्छे से समझ जाओ, और 3 कर सकते हो तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, राइट। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस हमारी, इंपॉर्टेंस फॉर बिजनेस मैनेजर्स। अभी जो बिजनेस फाइनेंस है ये इंपॉर्टेंट है किसके लिए, बिजनेस मैनेजर्स के लिए सबसे पहले, ठीक है। तो बिजनेस मैनेजर्स के लिए कैसे ये इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी उनके लिए, वो हम यहाँ पर जानते हैं। द ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस इज फॉर बिजनेस मैनेजर्स ओनली, ठीक है। जो ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस ये कह रहे हैं वो जो भी बिजनेस फाइनेंस मैनेजर्स हैं उनके लिए है। क्यों? बिजनेस फाइनेंस प्रोवाइड्स इंस्पिरेशन टू मैनेजर्स टू एक्ट जुडिशियसली। अब बिजनेस फाइनेंस में क्या है, जो कैपिटल उनके पास आई है, जो रुपए उनके पास आए हैं, उसको इन्वेस्ट करने के बाद, उनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करने के बाद, जो उनको प्रॉफिट्स हुए हैं, जो उनकी नेट वैल्यू बढ़ी है, एसेट्स उनके बढ़े हैं, उनकी वेल्थ मैक्सिमाइज हुए, तो जब ये सारी चीजें होती है तो जो मैनेजर्स हैं, जो मैनेज कर रहे हैं बिजनेस फाइनेंस को, ठीक है, वो काफी ज्यादा इंस्पायर होते हैं इस चीज से, राइट। तो वो काम अपना बहुत ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं, बहुत इफिशियंटली उस काम को कर पाते हैं। एफिशियंट यूज ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द इन्वेस्टर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन द मैनेजमेंट क्लास इज एबल टू टेक एनी डिसीजन इन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर एनालाइजिंग वेरियस टेक्निकल मेथड्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या कह रहे हैं ये कि जो एफिशियंट यूज है कैपिटल, जो भी इन्वेस्ट वहां पर की गई है, उसका वो अच्छे से यूज तभी कर पाएंगे, अच्छे से डिसीजन वो तभी ले पाएंगे जब प्रॉपरली वो सब चीजों को एनालाइज कर पाएंगे, ठीक है। एनालाइज करने का मोटिवेशन कहां से आएगा, जब उनके पास वो फंड होगा, ठीक है। तो ये सब चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है, जब उनके पास फंड होगा तो उनके पास मोटिवेशन तो आएगा ही, साथ में वो कई सारी चीजें कर पाएंगे, वो एनालाइज कर पाएंगे चीजें, वो कई सारे टेक्निकल मेथड्स वो इस्तेमाल करेंगे, तब वो डिसीजंस लेंगे। डिसीजन लेने के बाद उनकी जो भी कैपिटल उनके बिजनेस में इन्वेस्ट हुई है उसको वो एफिशिएंटली यूज कर पाएंगे, राइट। तो ये एक पूरी साइकिल है जो एक दूसरे से, जो भी इसमें एक्टिविटीज है वो कनेक्टेड है। तो हम कह सकते हैं बिजनेस मैनेजर्स के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। और जब बिजनेस मैनेजर्स इसको एक इंपॉर्टेंस देते हुए, ठीक है, इसको अच्छे से इस्तेमाल करके इस फंड को, जो भी इनको मिला हुआ, ठीक है, जब वो आगे बढ़ेंगे तो वो इंपॉर्टेंस फॉर इन्वेस्टर हो जाती है, ठीक है। हमने भी ऑब्जेक्टिव में पढ़ा कि इन्वेस्टर जो है उनको अच्छा रिटर्न मिल पाता है, ठीक है। बिजनेस मैनेजर्स उन सब चीजों का अच्छे से इस्तेमाल करके, यूटिलाइज करके
जो भी रिटर्न होगा, जो भी प्रॉफिट होगा, उसमें से कुछ परसेंट जो है इन्वेस्टर्स को भी देंगे, राइट। बिजनेस फाइनेंस प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्टर्स टू अर्न मैक्सिमम रिटर्न ऑन देयर कैपिटल इन्वेस्टेड। तो बिजनेस फाइनेंस जो है वो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है उन इन्वेस्टर्स को जो ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं लोगों की कंपनीज में, राइट। उनको रिटर्न मिलता है, रिटर्न के रूप में उनको प्रॉफिट्स मिलता है, ठीक है, जो भी उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट करी थी। बिफोर इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टर डिटरमाइन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ वेरियस ऑप्शंस एंड इन्वेस्ट द कैपिटल बाय अडॉप्टिंग द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो जो इन्वेस्टर है वो भी ऐसे ही किसी को भी पैसे नहीं देता है, ठीक है। कोई बिजनेस आ गया कि हमें इतने रुपए की नीड है, इतनी कैपिटल हमें चाहिए, तो ऐसे कोई भी इन्वेस्टर जो है रुपए नहीं देगा, वो पहले सब चीजें चेक करेगा, ठीक है, सब चीजें पूछेगा, सब क्वेश्चंस आपसे पूछेगा, ठीक है। शार्क टैंक बेस्ट एग्जांपल इस चीज का, आपने देखा होगा शो हो, ठीक है। तो उसमें अलग अलग बिजनेसमैन आते हैं, एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, वो अपने बिजनेस के बारे में बताते हैं कि ये हमारा बिजनेस मॉडल है, हम अभी इतनी सेल कर रहे हैं, इतना हमारा फ्यूचर में हमने ये गोल सेट किया है, ठीक है। तो सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो भी इन्वेस्टर है वो अपना डिसीजन बनाता है और वहां पर वो इन्वेस्ट करता है, और बदले में जो भी बिजनेसमैन है जिसको वो कैपिटल मिली थी वो इन्वेस्टर को रिटर्न देता है, ठीक है। तो इन्वेस्टर्स के लिए भी ये फायदा हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं एक लास्ट इंपॉर्टेंस पर बिजनेस फाइनेंस की, जो कि है इंपॉर्टेंस फॉर एम्प्लॉयज। अब जो इंप्लॉयज है वो एक बिजनेस के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। इंप्लॉयज नहीं होंगे तो कोई भी एक्टिविटी बिजनेस के अंदर नहीं हो पाएगी, ठीक है। मैनेजर्स ने भले ही अपना काम कर दिया, लेकिन मैनेजर्स क्या वो अकेले वो उस काम को कर पाएंगे? नहीं। मैनेजर्स अपने नीचे वाले जो भी उनके सबॉर्डिनेट्स उनके अंडर में काम कर रहे हैं उनसे वो काम कर पाएंगे, ठीक है। उनसे कई सारी रिपोर्ट्स वो मांगेंगे, एनालाइज करने में उनकी हेल्प लेंगे, ठीक है। तो जितना भी काम होगा वो एम्प्लॉयज के थ्रू ही होगा, जितनी भी एक्टिविटीज होंगी, जितने भी फंक्शंस होंगे, वो सब एम्प्लॉयज ही करेंगे। तो एम्प्लॉयज के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है ये? एम्प्लॉयज तो खुद बिजनेस को आगे ले जा रहे हैं, ठीक है। बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट एम्प्लॉयज हैं। तो एम्प्लॉयज के लिए बिजनेस फाइनेंस कैसे इंपॉर्टेंट है? वो ऐसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनका मोरल डाउन ना हो, राइट। उनका मोरल हाई रहेगा। जब एक बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा तो वहां पे जितने भी लोग काम कर रहे होंगे, भले ही वो एम्प्लॉय हो, भले ही वो मैनेजर हो, भले ही वो खुद का उस बिजनेस का ओनर ही क्यों ना हो, उसका एक मोटिवेशन रहेगा कि यार मेरा बिजनेस एक अच्छे डायरेक्शन में जा रहा है, एक अच्छी ग्रोथ उसको मिल रही है, तो वो अपना 100% देंगे, उनका मोरल बहुत हाई रहेगा, ठीक है। कहीं से कहीं तक उनको कोई स्ट्रेस नहीं होगा, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा, एक ये फायदा हो गया, ठीक है। दूसरी चीज ये भी है कि जब बिजनेस को प्रॉफिट होगा तभी तो एम्प्लॉयज को सैलरी मिलेगी। जो बिजनेस का ओनर है जब वो अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देगा, क्या वो अपने अलग से कहीं से रुपए लेके आएगा? नहीं, वो उस बिजनेस से जो पैसा कमाएगा वही वो अपने एम्प्लॉयज को देगा, जो मैनेजर्स होंगे उनको देगा, जिस भी लेवल पर जो भी पर्सन काम कर रहा है उसको वो सैलरी उस बिजनेस के अमाउंट से ही देगा, उस बिजनेस के प्रॉफिट से ही देगा, ठीक है। और इसके साथ साथ एम्प्लॉय को और क्या फायदा मिला? कुछ अलग से उनको बेनिफिट्स मिल सकते हैं, ठीक है। कुछ अलग से अलाउंस उनको मिल सकता है, सैलरी पे उनको कुछ बोनस मिल सकता है, ठीक है। सैलरी उनकी बढ़ सकती है। तो ये सब चीजें बिजनेस कितना प्रॉफिटेबल है उसी पर डिपेंड करता है, ठीक है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि बिजनेस अगर प्रॉफिटेबल नहीं हो पाता तो एम्प्लॉयज की सैलरी रोक देते हैं वो, है ना। ऐसा हो सकता है कि उनको सैलरी या तो बहुत लेट देंगे या फिर बहुत कम देंगे, बढ़ाएंगे नहीं, ठीक है। उन्होंने काम पूरा किया, उन्होंने एक्स्ट्रा काम भी किया, उस एक्स्ट्रा काम को उनको रुपए नहीं देंगे, ठीक है। ऐसा भी कभी हो सकता है कि बहुत ऐसा समय आ गया कि किसी को नीड है, कोई उसकी इमरजेंसी एम्प्लॉय की, तो उसको वो बेनिफिट नहीं मिल पाएगा उस बिजनेस से, क्योंकि बिजनेस के पास खुद रुपए नहीं है उतने, है ना। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि बिजनेस फाइनेंस अगर एक बिजनेस के अंदर बेटर रहेगा, उसका मैनेजमेंट बेटर रहेगा, यूटिलाइजेशन उसका बेटर रहेगा, अच्छा रहेगा, तो एम्प्लॉयज को भी बेनिफिट होगा, इन्वेस्टर्स को भी बेनिफिट होगा, और बिजनेस मैनेजर्स को भी अल्टीमेटली बहुत ज्यादा बेनिफिट उससे हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस थे बिजनेस फाइनेंस के, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। बहुत सिंपल से पॉइंट से मैंने जितना सिंपल हो सकता है उतना आपको समझाने की कोशिश करी, ठीक है। तो अच्छे पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस, इंपॉर्टेंस वर्ड बीस में आ गया, ठीक है। बिजनेस फाइनेंस में ऑब्जेक्टिव काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या मकसद है बिजनेस फाइनेंस का, ये तो आपसे पूछेंगे, ऑब्वियस सी बात है। बस अलग से क्वेश्चन नहीं आएगा कि आपसे 5-10 नंबर में क्वेश्चन दे दिया कि बताओ क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बिजनेस फाइनेंस के, इस तरीके से क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ, क्वेश्चन अगर बनता है जो भी टॉपिक्स हमने इससे पहले वाली वीडियो में कवर किए, इस वीडियो में कवर करे, अगर सबका मिला के एक क्वेश्चन बनता है, एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है 10-12 मार्क्स में, तो आपसे पूछ लेंगे कि आप एक तो एक्सप्लेन करो बिजनेस फाइनेंस क्या होता है, ठीक है, साथ में उसके ऑब्जेक्टिव्स इंपॉर्टेंस और फीचर्स भी बता दो। तो थोड़ा 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 आप सब में से बताओगे, लेकिन बिजनेस फाइनेंस को आप अच्छे से एक्सप्लेन करोगे। आपने डेफिनेशन दे दी बिजनेस फाइनेंस क्या होता है, फिर आपने बता दिया कि भाई दो इसके फीचर्स होते हैं, हेडिंग डाल दी फीचर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, दो अपने फीचर्स बता दिए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस एक हेडिंग दे दी, आपने दो ऑब्जेक्टिव्स बता दिए, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस आपने हेडिंग दे दी, उसके बाद आपने दो इंपॉर्टेंस बता दी, तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन आपका फ्रेम हो जाएगा और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे जितने भी मार्क्स में आपसे वो पूछा जाएगा, ठीक है। तो दो पॉइंट तो आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लो, बिल्कुल दिमाग में बैठा लो, तीनों के तीनों पॉइंट अगर याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल नो रिस्क पर आ जाओगे। अगर आपसे पूछ भी लिया, ठीक है, कि अगर आपसे सिर्फ ऐसा क्वेश्चन आ गया कि आप एक्सप्लेन करो
बिजनेस फाइनेंस क्या होता है और साथ में उसके इंपॉर्टेंस बताओ, ठीक है। फीचर्स और ऑब्जेक्टिव्स पूछा ही नहीं है, तो आपको एक तो मीनिंग और डेफिनेशन वो देना पड़ेगा, और साथ में कम से कम 3 पॉइंट आपको वहां पर देने पड़ेंगे बिजनेस फाइनेंस की इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो ये थे कुछ हमारे टॉपिक इस वीडियो के, ऑब्जेक्टिव्स और इंपॉर्टेंस। अगर आपने नोट्स बनाए तो बहुत अच्छी बात है, नोट्स नहीं बनाए तो वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट लो और तैयार कर लो, खुद के नोट्स प्रिपेयर कर लो। जितना भी यहाँ पर कंटेंट लिखा है उनको आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो, बस अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, पॉइंट हमारा कह क्या आ रहा है, इसमें सब चीजें लिखी क्या है, वो आपको एक बार समझ आ गई तो अपने वर्ड्स में भी आप वहां पर लिख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम किसी भी तरह से नहीं आएगी। बस जो आप कह रहे हो वो मीनिंग बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, जो पूछा गया है वही आंसर आपका होना चाहिए, कुछ भी अलग से आप ऐड नहीं करोगे, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।